अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम एथेंस द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीस। जी हाँ, तो आज हम जाएंगे एथेंस की एक बहुत ही पुरानी जगह एंक्रोपोली में, जो ग्रेट अलेक्जेंडर की वजह से बहुत फेमस है। आज उधर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आज के दौर में भी खंडरात कितने ही प्यारे लग रहे हैं, और उधर जाके देखेंगे कि ये प्लेस जो है किस वजह से फेमस है, और आपको इसकी सारी स्टोरी बताएंगे। तो चलें चलते हैं आज एंक्रोपोली में, जो एथेंस की एक बहुत ही फेमस जगह। Please don't forget at the Monostratis Square we are making music festival for Africa. How are you doing? Keep something to remember. ये प्लेस पहाड़ की टॉप पे है, जिसके लिए आपको पैदल जाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है ऊपर जाने के लिए। यहाँ से परचेज करेंगे हम टिकट, बट फॉर्चुनेटली आज का दिन सब टूरिस्ट के लिए फ्री है, तो आज किसी को कोई प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं है, सब जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपसे शेयर करता चलूँ। एंक्रोपोलिस पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के डिफरेंट कम्प्लेक्स बनाए गए थे आज से 2400 साल पहले। इन बिल्डिंग्स को एज अ टेम्पल यूज़ किया जाता था, जिधर वो आके वर्शिप किया करते थे अपने गॉड्स की, क्योंकि ये सब क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे, इसीलिए इन बिल्डिंग्स को वंडर ऑफ एशियंट वर्ल्ड भी कहा जाता है। एंक्रोपोलिस में बहुत सी गैदरिंग है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सब लोगों को आज पता था कि आज का दिन फ्री है, इसलिए आज बहुत हाई नंबर ऑफ टूरिज्म जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। ये देखें, ये बिल्कुल क्लोजियम से मिलती जुलती एक जगह है, लेकिन क्लोजियम से काफ़ी छोटी स्पेस है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी कम लोग बैठ सकते हैं, लेकिन ये मिलती जुलती जगह है क्लोजियम से। इसे एक आप स्टेडियम कह सकते हैं, जिसमें परफॉर्मेंस होती थी आज से कोई 2000 साल पहले, और लोग बैठ के इसे लाइव देखते थे। लेकिन आज भी ये परफॉर्मेंस अभी भी, जैसे आप देख सकते हैं कि सिंगिंग के डिफरेंट इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगाए हैं, और लाइव परफॉर्मेंस आज के दौर में भी यहाँ पे होती है, जिसे लाइव बैठ के लोग इंजॉय करते हैं यहाँ पे। एंक्रोपोलिस की मेन एंट्रेंस है, जिधर से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके देखेंगे जो आज से काफ़ी हज़ार साल पुराने जो इन्होंने चर्च बनाए थे, वो इधर से ऊपर जाके हमें मिलेंगे।
और मेरा ख्याल है ये है कि इसकी एंट्रेंस और इधर से ही एग्जिट होगी। जब वर्ल्ड वार हुई थी उसमें इन बिल्डिंग्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, और आज भी ग्रीस की जो गवर्नमेंट है इनकी रेनोवेशन का काम हो रहा है। आगे जाके देखेंगे कि डिफरेंट लोकेशंस पे जो है वो डिफरेंट अभी भी रेनोवेशंस के काम जारी है। कभी भी ग्रीस को इंटरनेट पे सर्च करें, स्पेशली एथेंस को, कि एथेंस में कौन कौन सी फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो ये वाली जगह सबसे पहले आती है। और ये जो बिल्डिंग अभी इस वक्त आपके सामने है, ये एक चर्च हुआ करता था, और ये बिल्डिंग जो है ये सबसे टॉप पे आती है कि ये ग्रीस में सबसे फेमस जो टूरिस्ट पॉइंट है वो ये वाला है। तो ये जो चर्च है ये बिल्कुल डिमोलिश हो चुका था, और दोबारा से अब इसकी रेनोवेशन का काम स्टार्ट है ताकि इसे इसकी पुरानी शेप में लाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है इसे विज़िट करें। ये जगह हकीकत में ही देखने के काबिल है, और इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कैसे आज से हज़ारों साल पहले, जब टेक्नोलॉजी का भी बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं था, कैसे जो उस वक्त की लेबर थी वो इतने भारी पत्थरों को, मार्बल को ऊपर तक लेके आती थी पहाड़ की चोटी पे, और कितने ही प्यारे अंदाज से उन्होंने यहाँ पर डिफरेंट बिल्डिंग्स को जाके बनाया है। रात में एथेंस का टेम्परेचर तो काफ़ी कम था, लेकिन सुबह होते ही जैसे सूरज निकला साथ ही काफ़ी गर्मी हो गई। जैसे आप लोगों के आउटफिट से देख सकते हैं कि लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट्स और इस तरह की चीज़ें पहनी हुई है, क्योंकि दिन काफ़ी गर्म आज महसूस किया जा रहा है यहाँ पे। Thank you.
के बिल्कुल साथ ही एक बहुत ही प्यारा पार्क है, और उस पार्क में एक इंतहाई कदीम म्यूज़ियम है। तो अभी यहाँ से वापस जाते हैं और जाके म्यूज़ियम की भी आपको सैर करवाते हैं कि म्यूज़ियम में इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं और उसकी क्या हिस्ट्री आपको सब बताते हैं। दिन के 2 या 3 बजे होंगे और हम लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी एंग्रोपुली को देखने के लिए ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि एंग्रोपुली एक टॉप बिल्कुल माउंटेन की टॉप पे है और उधर से सनसेट का बहुत ही प्यारा जो है वो व्यू देखा जा सकता है। ये लोग इसीलिए इस वक्त उधर जा रहे हैं। देखें जी, यूरोपियन भी फ्री का काम कोई भी हाथ से नहीं जाने देते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज का दिन टोटली फ्री है एंक्रोपुली में, और दूसरा म्यूज़ियम में भी। तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है पार्क के बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक, जो कि इस म्यूज़ियम में एंटर होने के लिए लाइन है। तो सब लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो अंदर जाएंगे और अंदर जाके जो डिफरेंट चीज़ें उन्हें देखेंगे। मेरा ख्याल है कि ग्रीस की गवर्नमेंट का ये एक बहुत ही अच्छा काम है कि उन्होंने हाल ही में ये एक बिल्डिंग बनाई है, बहुत ही वसी बिल्डिंग है, और इसमें इन्होंने अपने आसारे कदीमा को बहुत ही अच्छे तरीके से महफूज किया हुआ है। इस म्यूज़ियम के 3 फ्लोर हैं और तीनों फ्लोर्स के ऊपर
ग्रेट अलेक्जेंडर के टाइम की जो एशियन चीज़ें हैं वो सब रखी गई हैं। तो ये है कि ये चीज़ें उस वक्त के टाइम में लोगों ने बनाई जब टेक्नोलॉजी का बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं था। हालांकि आज के दौर में भी ये चीज़ें बनानी पड़ें तो आपको बहुत महारत हासिल होनी चाहिए इन चीज़ों में, तब जाके आप आज के दौर में भी ये बना सकते हैं। जैसा कि ये म्यूज़ियम बिल्कुल एंक्रोपोलिस के सामने है तो थर्ड फ्लोर से एंक्रोपोलिस का मुकम्मल व्यू जो है बहुत ही प्यारा व्यू देखा जा सकता है, एंक्रोपोलिस की पूरी जो कंप्लीट बिल्डिंग है उसका।
जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एंक्रोपोलिस और एथेंस म्यूज़ियम का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.